चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपकी जो समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक निकालता है ना, दृष्टि, आईएएस पीसीएस या यूपीपीसीएस हो गया, एमपीपीएससी, बिहार पीसीएस, इन सभी करंट के लिए ये बुक्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो इसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य देख चुके हैं आपका, फिर आपका विधिक परिदृश्य भी खत्म कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद हम थे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, हम लोगों ने आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध देख लिए हैं। फिर दूसरा टॉपिक था अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आपका अंतर्राष्ट्रीय विकिरण, इसमें आपकी दो क्लासें मैं ले चुका हूँ, क्योंकि इसीलिए आपका ध्यान रखिए कि बड़ी बड़ी क्लासें नहीं ली जा रही हैं, 2 से 3 क्लासें हैं। ऐसा करूंगा कि 40-50 मिनट के 1 घंटे के करीब की हर क्लास हो, तो इसमें 3 क्लास खत्म हो गई हैं और ये आपकी चौथी क्लास है। ठीक है, क्या है ये चौथी क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक बात कर चुके थे, करतारपुर कॉरिडोर समझौता तक हम लोग देख चुके थे। और ये सभी क्लासें आपकी याद रखिए, जो समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनाई हुई है, उसी में डली हुई, क्रम से डली हुई है। याद रखिए, खत्म होने के बाद हम लोग एक मर्ज कर देंगे पूरे क्लासें और आपका ये एक पूरा सेपरेट लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तब आप जाकर बैठ के देखते रहिए, अभी छोटी छोटी क्लासें ली जा रही हैं, इन्हें आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बगदादी का अंत देखते हैं। 27 अक्टूबर 2019 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी कि आईएसआईएस का नेतृत्वकर्ता अबू बक बक अल बगदादी 26 से 27 अक्टूबर 2019 की रात उत्तरी पश्चिमी सीरिया में अमेरिका के विशेष सैन्य बलों की कार्रवाई के दौरान मारा गया। अमेरिकी विशेष बलों द्वारा यह कार्रवाई उत्तर पश्चिमी सीरिया के इदलिब प्रांत स्थित वाइसा गांव में की गई थी। याद रहे कि सीरिया का इदलिब प्रांत तुर्की की दक्षिणी सीमा से महज 3 महज 5 किलोमीटर दूर स्थित है। विशेष बलों के इस ऑपरेशन में 8 हेलीकॉप्टर, कई पोत और विमान शामिल थे। इस कार्रवाई को अंजाम देने हेतु अमेरिकी विशेष बलों के हेलीकॉप्टर तुर्की के ऊपर से उड़ते हुए उन इलाकों से भी गुजरे जहां सीरियाई और रूसी सेनाओं का नियंत्रण था। बगदादी के विरुद्ध अमेरिकी विशेष बलों के इस ऑपरेशन का नाम अमेरिका की दिवंगत मानवाधिकार कार्यकर्ती कायला म्यूलर के सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है। तो ये ऑपरेशन पूछ सकता है कि किस नाम पर रखा गया है, कायला म्यूलर। ठीक है, आगे आपका 2013 में म्यूलर का सीरिया में स्थित ओलेपो, क्या है, अलेपो से आईएसआई द्वारा अपहरण कर दिया गया था, यानी कि किडनैप कर लिया गया था, और फरवरी 2015 में आईएसआई की हिदायत में उनकी मौत की पुष्टि की गई। 31 अक्टूबर 2019 को आईएसआई अबू बक अल बगदादी की मृत्यु की पुष्टि की और अपना अपने नए नेता के रूप में अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी के नाम की घोषणा की गई है। तो यह प्रमुख आप एक तरह से नए नेता कौन है आईएसआई के, अबू इब्राहिम अल हसीमी अल कुरैशी। ठीक है, हेती में यूएन शांति मिशन समाप्त हो गया है। अपनी स्थापना 1945 के पश्चात से ही संयुक्त राष्ट्र लगातार विश्व शांति स्थापना में संलग्न है। इसी उद्देश्य से संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में यूएन पीस कीपिंग मिशन संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन जहां कुछ क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त हुई हैं, वहीं यूएन के शांति सैनिकों पर विभिन्न प्रकार के आरोप भी लगते हैं। इसी दिशा में हेती में संचालित यूएन पीस कीपिंग मिशन के मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए। 15 अक्टूबर 2019 को हेती में चल रहे संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा मिशन को समाप्त घोषित कर दिया गया है। कब, 15 अक्टूबर को। याद रहे कि हेती में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियान की शुरुआत 2004 में यूएन स्थिरता मिशन के साथ हुई थी। कब, 2004 में। यह मिशन हेती में बदहाल होती राजनीति एवं सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर रखते हुए स्थापित किया गया था। याद रखिए, हेती में यूएन स्थिरता मिशन 15 अक्टूबर 2017 को समाप्त हो गया था। संयुक्त राष्ट्र के इन दो मिशनों ने हेती की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें पुलिस व्यवस्था में सुधार, न्याय क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण और सामुदायिक हिंसा न्यूनीकरण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी शामिल है। फिर बात करते हैं अगली खबर हमारी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दूसरी सभा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। भारत एवं फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को लॉन्च किया था। कब,
30 नवंबर 2015 को। यह एक संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा क्षेत्र में 2030 तक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि का निवेश करना और सदस्य देशों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के विकास एवं तैनाती को गति प्रदान करना है। आईएसए की औपचारिक स्थापना 6 दिसंबर 2017 को की गई थी। इस डेट को याद रखना है, औपचारिक स्थापना कब हुई? 6 दिसंबर 2017 को। ये सबसे महत्वपूर्ण कई बार पूछ लिया गया। आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिलेगा। कहां? गुरुग्राम हरियाणा में। आईएसए की प्रथम सभा 3 अक्टूबर 2018 को आयोजित हुई थी। ठीक है, आईएएस या आईएसए, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में आईएसए सभा के अध्यक्ष एवं भारत सरकार के विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभा आर के सिंह ने आईएसए की दूसरी सभा का शुभारंभ किया था। इस सभा में 78 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग भी लिया था। इस दौरान दो देशों इरिटिया और सेंट किट्स एंड नेविस ने 31 अक्टूबर 2019 को आईएसए फेम्बर्ग समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। 30 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार 87 देशों ने आईएसए फेम्बर्ग के समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा 67 देशों ने इसका अनुसमर्थन भी किया है। तो 87 देशों ने फेम्बर्ग पर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और तथा 67 देशों ने इसका अनुसमर्थन भी किया है। 15 जुलाई 2020 को आईएसए फेम्बर्ग समझौते में हुए संशोधनों के प्रावधान के प्रभाव में आने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा। आईएसए सभा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का शीर्ष निर्णय निर्माण निकाय है जो विभिन्न प्रशासनिक वित्तीय तथा कार्यक्रम संबंधित मुद्दों पर निर्णय देता है। फिर आप देखेंगे वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019। आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिया करिएगा। कई बार आप देखते हैं कि 2017 के भी आंकड़े पूछ लेता है, 2018 के आंकड़े पूछ लेता है, तो पुराने आंकड़ों पर भी आप लोग नजर डाल लिया करिएगा। थोड़ा इस तरह से पढ़ा करिएगा कि कम से कम पुराने आंकड़े भी बने रहे। तो 2019 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स का प्रकाशन संयुक्त रूप से दो गैर सरकारी संगठनों यथा कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल, इन दोनों को याद रखिए, इनके द्वारा किया जाता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 4 संकेतकों यथा अल्पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिंगनापन और बाल मृत्यु दर के आधार पर तैयार किया जाता है। इनको एक तरह से आधार में रखते हुए इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है या निर्माण किया जाता है। अल्पोषक, बाल दुबलापन, बाल ठिंगनापन, बाल मृत्यु दर। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के साथ के पैमाने पर तैयार किया जाता है जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है और जबकि 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन सामान्य जानकारी के याद रखना चाहिए। जिसकी स्थिति 0 होगी वो बेहतर होगा, समझ रहे हैं आप लोग, और 100 जिसकी होगी वो सबसे खराब स्थिति में होगा। 15 अक्टूबर 2019 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 जारी किया गया है। यह सूचकांक 14वां संस्करण है, वार्षिक संस्करण। किस नंबर का? 14वें नंबर का है। ठीक है, 2019 की रिपोर्ट भुखमरी एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौती विषय पर केंद्रित है। कहने का सीधा सा मतलब है कि इसकी थीम या विषय क्या है 2019 की रिपोर्ट का? भुखमरी एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौती विषय पर केंद्रित है। वर्ष 2019 की इस रिपोर्ट में विश्व के 117 देशों के पोषण की स्थिति का आकलन प्रस्तुत किया गया। यानी कि कहने का मतलब है कि 117 देशों को इसमें शामिल किया गया है। याद रहे कि सन 2000 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक स्कोर 29.0 था जो 2019 में 31% की गिरावट के साथ 20.0 तक पहुंच गया है। विश्व में अल्पोषित लोगों की संख्या वर्ष 2015 में 785 मिलियन से बढ़कर 2018 में 822 मिलियन तक पहुंच गई है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 के अनुसार वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में है। ठीक है, कौन सा? मध्य अफ्रीकी गणराज्य। जबकि 4 देश चार्ट, मेडागास्कर, यमन, जाम्बिया भुखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं।
GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में शामिल 117 देशों में से 43 देश भुखमरी की गंभीर स्थिति में। आप समझिए दुनिया की क्या हालत है। 117 देशों में से 43 देश तो वो हैं जो भुखमरी से गंभीर स्थिति में लिप्त हैं। समझ रहे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 के अनुसार मध्य अफ्रीकी गणराज्य में अल्पपोषण की दर सर्वाधिक यानी कि 59.6% है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के में ठिंगनापन के मामले यमन में सर्वाधिक यानी कि 61.1% है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन सर्वाधिक मामले भारत में कितना 20.8%। तो याद रखिए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन के मामले में पूछे तो भारत आपका सब टॉप पर है। ठीक है, यहाँ 20.8% बच्चे इस तरह के देखने को मिलेंगे। अगर पूछे आपसे 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर सोमालिया में सर्वाधिक है। ठीक है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 में 17 ऐसे देश शामिल हैं जिनका GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 5 से कम है। इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंकिंग प्रदान नहीं की गई है बल्कि सामूहिक रूप से इन्हें 1 से 17 रैंकिंग तक सूचीबद्ध किया गया है। ब्राजील इस सूचकांक में 18वें स्थान पर है। ब्राजील इस सूचकांक में 18वें स्थान पर है। ये ब्रिक्स देशों की स्थिति है। ये इनसे क्वेश्चंस आपके बनने की पूरी संभावना रहती है। ये तो आप ऊपर देख रहे हैं, इनमें मेन मेन पॉइंट याद रखिए लेकिन इन्हें जरूर याद रख ली। ब्रिक्स देशों की स्थिति की बात करें तो ब्राजील 18 और रूसी संघ 22। अब भारत का नंबर आ गया, भारत 102वें नंबर पर। कितने 102वें नंबर पर, यानी कि हमारी स्थिति भी बहुत बुरी ही है, कोई खास अच्छी नहीं है। चीन 25, दक्षिण अफ्रीका 59। एक तरह से आप कहिए ब्रिक्स देशों में तो सबसे बुरी हमारी स्थिति है। अंतिम 5 देशों की बात करें अगर हम लोग तो 117वें नंबर पर है मध्य अफ्रीकी गणराज्य 53.6 स्कोर के साथ। 116वें नंबर पर है यमन, 115वें नंबर पर चाड और 114वें नंबर पर मेडागास्कर, 113वें नंबर पर जाम्बिया। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग 102 है यानी कि स्कोर रहा है 30.3। याद रहे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का स्कोर यहाँ भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है, यानी कि हमारे देश में भुखमरी की गंभीर स्थिति है, फिर भी आप देखते हैं कि हमारे नेता बस फेंकते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों का पता ना, देखिए लेकिन हमारे देश को अगर सबने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो आप सोचिए कुछ चंद नेताओं ने, मीडिया घरानों ने, तो अगर हमारी संस्कृति को सबसे ज्यादा किसी ने ठोस पहुंचाया, ठेस पहुंचाया है तो वो है आपकी मूवियों ने। आप सोचिए कि इतिहास पर मूवी बननी चाहिए, हमें मालूम चलना चाहिए गांधी जी का क्या कैरेक्टर रहा है, सुभाष चंद्र बोस किस तरह से। आप देखते हैं सुभाष चंद्र मूवी या विवेकानंद मूवी को आप लोग देखिए, भगत सिंह इस तरह की मूवी, उनकी गलती नहीं है मूवी बनाने वालों की, इनमें हमारी ही गलती। हम लोग जब तक मिर्च मसाला ना आए तब तक हम देखना पसंद ही नहीं करते हैं। अभी आप विवेकानंद मूवी देखने लग जाएंगे 15-20 मिनट बाद छोड़ देंगे उसे, क्योंकि उसमें कुछ मिर्च मसाला नहीं है ना, वो हकीकत बताई जा रही हुआ। तो खैर हमारी भी गलती है, उसमें क्या कर सकते हैं। 2018 में भारत को 103वीं रैंक मिली थी, उस समय 2018 में 119 देशों को शामिल किया गया था इस रिपोर्ट में। तो अभी कितनी, 2019 में 102वीं, और इसमें 117 देश शामिल किए गए हैं, और 2018 में 103वीं थी लेकिन इसमें 119 देश आपके शामिल किए गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे बढ़ के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2019। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2019 के अंतर्गत वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 4.0 में प्रतिस्पर्धात्मकता में कुल 12 स्तंभों परमाणु के भारत भारत के औसत आधार पर 141 देशों अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग प्रदान की गई है। कितने, एक तरह से 12 स्तंभों को लिया गया है, आधार बनाया गया है और 141 देशों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में 0 से 100 अंकों के मध्य अंक प्रदान किए गए हैं। 100 सर्वोच्च प्रतिस्पर्धात्मकता को जबकि 0 न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, 9 अक्टूबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। तो आपसे पूछ लेगी अगर कौन जारी करता है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, तो विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में सिंगापुर ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था प्राप्त किया है। सिंगापुर पहले नंबर पर। इस सूचकांक में भारत को 68वां स्थान यानी कि स्कोर कितना है भारत का 61.4 के साथ आपका 68वां स्थान मिला है, 68।
अगर आपसे पूछे कि 2018 में कितना मिला था, तो 58, तो 2018 में इसमें 58वां नंबर था, और 2019 में एक कितना पहुंच गया है, 68वें नंबर पहुंच गया है, 10 की गिरावट हुई है। 83.1 स्कोर के साथ हांगकांग तीसरे और नीदरलैंड चौथे और स्विट्जरलैंड पांचवें स्थान पर। तो पहले नंबर पर कौन है? सिंगापुर। दूसरे पर कौन है? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरे पर आपका हांगकांग, चौथे पर नीदरलैंड। ठीक है, ये टॉप है। अब आपसे पूछे, अगर नीचे से पूछ ले, तो नीचे से कौन है? चार है। कितना है? चार है। ठीक है, और यमन 140 भी नंबर पर, 139 भी नंबर पर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज, और 138 हैती, और 137 मोजाम्बिक। तो याद रखिए, टॉप में सिंगापुर, नीचे में सबसे अंतिम पायदान पर चार, और भारत की स्थिति 68वें स्थान पर है। पिछली बार कितना था? 58वां स्थान। ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 4.0 में ब्रिक्स देशों की रैंकिंग की बात करें, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनता रहता है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि हर मामले में ब्रिक्स देशों की रैंकिंग बताई जा रही है। चीन 28वां स्थान, रूस 43वां स्थान, दक्षिण अफ्रीका 60वां स्थान, भारत 68वां स्थान, और ब्राजील 71वां स्थान। इसमें यानी कि ब्राजील से हम आगे हैं और बाकी सभी देशों से नीचे हैं। ठीक, अब देखिए, आप नोबेल पुरस्कार से 2019 के जो मिले हुए थे, तो इससे क्वेश्चन आपके हमेशा बनते रहते हैं, आप सभी लोग देखते हैं। वैसे आपका एक इतिहास पूरा, नोबेल पुरस्कार का पूरा इतिहास एक कवर किया हुआ है हम लोगों ने वीडियो पर, IAS PCS के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में डले हुए हैं, उसमें आपका पूरा इतिहास बताया गया है, अभी तक भारतीयों, जिन भी भारतीयों को मिला है उनके बारे में भी बताया गया है, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं अगर विस्तार से आपको जानना है। नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित भौतिक, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से प्रदान किए गए हैं, जबकि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना रिक्स बैंक, स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, इसने 1968 में की थी, और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। वर्ष 1901 से ही प्रतिवर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को आयोजित समारोह में विजेताओं को नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार के अतिरिक्त से सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं, जबकि नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। आपका सीधा सा कहने का मतलब क्या है आपका, कि 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं। कब से? 1901 से। किस किस क्षेत्र में? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति में आपके 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र में पहली बार कब दिया गया था, 1969 में, 1969 में। ठीक है, और याद रखिए कब देते हैं, 10 दिसंबर को, जब अल्फ्रेड नोबेल साहब की पुण्यतिथि मनाई जाती है प्रतिवर्ष। और एक बात और आपको बताऊं यहां, कि जो नोबेल शांति पुरस्कार है, ये आपका ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। तो आप इस तरह से याद रखिए कि नॉर्वे शांतिपूर्ण देश है, इसलिए शांति का पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। और बाकी के सभी पुरस्कार आपकी भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और भी जो आपका है अर्थात का, ये सभी कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम स्वीडन में, स्टॉकहोम स्वीडन में। आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 का देख लेते हैं। 14 अक्टूबर 2019 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल एकेडमी, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा वर्ष 2019 हेतु, किसके द्वारा? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा, इस संस्था को याद रखिए, 2019 हेतु नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन तीन अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया है, इसमें आपके अभिजीत बनर्जी हैं हमारे भारतीय, एस्थर डब्लू इनकी बेबी हैं, माइकल केनमैन। तो 2019 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है तीन लोगों को, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डब्लू और माइकल क्रेमर। इन तीनों अर्थशास्त्रियों को वैश्विक गरीबी उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण हेतु पुरस्कृत किया गया है, इस क्षेत्र के लिए तरह से दिया गया है। इन अर्थशास्त्रियों के नवीन प्रयोग आधारित दृष्टिकोण ने मात्र 2 दशकों में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को बदल कर रख दिया है, जो अब अनुशंसाओं का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। याद रखिए कि भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी वर्तमान में अमेरिका के मसाच्यूट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में
अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सर। कई छात्रों ने कहा कि सर हमारे यहाँ से लोग बाहर क्यों जाते हैं। आप साची सोचिए कि हमारे यहाँ की अर्थशास्त्री ये देख लीजिए, हमारे यहाँ के अच्छे अच्छे डॉक्टरों को देख लीजिए, अमेरिका में रहेंगे या विदेशों में कहीं हो। तो इसका सीधा सा मतलब है कि देखिए हम लोग उनकी लायक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। सीधा सा यही है। आप कहिए कि जो भी कहना हो आपको, टेक्नोलॉजी के अभाव कह लीजिए, जो भी कहना हो, लेकिन हमारे यहाँ के जो कई छात्र देखते हैं अमेरिका में रहते हैं, वहां काम करते हैं। अभी आपने देखा है रघुराम राजन साहब को देख लीजिए, अभिजीत बनर्जी साहब को देख लीजिए। देखिए अभी आपने देखा है कोरोना महामारी के साथ, एक तो हमारे यहाँ हमारे देश में एक प्रॉब्लम ये भी है, आप अपने ही आसपास देख लीजिए, ओवर स्मार्ट गिरी भरी हुई है। कहने का मतलब है कि सब समझदार है। अभी आपने देखा है कोरोना के समय की दुनिया ने हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, फिर चाहे आपके रघुराम राजन साहब हो या अभिजीत बनर्जी साहब हो, इन सबसे सलाह ली है कि हमें क्या करना चाहिए अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन हमारी भारत सरकार या हमारा भारत एकमात्र ऐसा देश है जो हमारे इन अर्थशास्त्रियों के कहने पर नहीं चलता है। यहाँ जो 5वीं फेल होते हैं, 10वीं फेल होते हैं, जिनका कोई मालूम नहीं है कि पढ़े लिखे हैं, वो यहाँ सरकारें चलाते हैं। और उसी हिसाब से आप देख भी रहे हैं कि क्या स्थिति हमारे देश में छाई हुई है। समझ रहे हैं? आज हमारी जीडीपी का आपने विकास दर देखी, अर्थव्यवस्था कितनी गिरी है। चाइना को देख लीजिए, अमेरिका की कई लोग कह रहे हैं अमेरिका में भी बहुत नुकसान हुआ, तो अमेरिका में डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया है। एक दिमाग में अपने में याद रखिए हमेशा कि डायरेक्ट ट्रांसफर दिया गया है, डायरेक्ट पैसा दिया गया है, ऐसा फेंक फेंक के एक तरह से सबके अकाउंट में, इसलिए वहां की जीडीपी ज्यादा गिरी है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिए। और वैसे भी आपके देखिए आप लोग, आपके माँ बाप हो, फिर चाहे कोई आपका टीचर हो या कोई आपका दोस्त आपको समझा रहा हो कि ये गलत है, तो हम लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं। हम किसी को, अगर आप सोचिए कि कोई हम पर भरोसा कर रहा है, आंख बंद करके वो हर बात को हमारी, हमने जो कहा वो मान ले रहा है, तो हम क्या सोच लेते हैं, वो सामने वाला बेवकूफ है और हम उसे पागल समझते रहते हैं और मतलब उसके भरोसे को तोड़ते रहते हैं। ये गलत है, मुझे लगता है ये आपकी स्मार्ट गिरी है। हो सकता है कि वो सब कुछ जान रहा हो फिर भी चुप हो, क्योंकि उसे हो सकता है कि आपसे रिश्ता रखना पसंद है या आपके उसके लिए रिश्ता ही सब कुछ हो, लेकिन हो सकता है हमारे आपके लिए मतलब सब कुछ हो। तो ये ज्यादा स्मार्ट गिरी मत रखा करिएगा, सबकी सुना करिएगा। मैं तो कहता हूं हर किसी से सीख लेना चाहिए। और देखिए जिंदगी 100 साल 200 साल, हो सकता है आपकी साल 250 साल रहे, लेकिन इंसानियत, मानवता, रिश्ते और आपका व्यवहार हमेशा याद रखा जाता है। सिंधिया ने भी गद्दारी की थी। आज आप इतिहास पढ़ते होंगे, मुझे लगता है सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की, तो इतना तो आपको पता होगा कि इतिहास में सिंधिया के सामने गद्दार लिखा गया है। और एक समय ऐसा हुआ करता था कि दिल्ली अगर आप पढ़ने के लिए जाते थे तो आप ग्वालियर का नाम बता देते थे, तो रूम देने से यानी कि किराए पर रखने से आपको लोग मना कर देते थे, या विदेशों में आप जाते थे तो आपके साथ भेदभाव किया जाता था, लोग ग्वालियर का नाम बताने से डरते थे, और झांसी का नाम बताते थे तो बड़े गर्व से आप मतलब अपने यहाँ रख लेते थे। समझ रहे हैं? तो नाम रहता है बाद में, आज से इतिहास लिखा जाएगा कई सालों बाद। तो आपकी गुलामी अगर आपने की है, आपने गद्दारी की है, तो उसी हिसाब से आपको याद भी किया जाएगा। तो 2 दिन की खुशी के चक्कर में या 2 दिन के मतलब के चक्कर में रिश्तों को या इंसानियत को मत खत्म किया करिएगा। ठीक है? और मैंने उन लोगों को भी रोते हुए देखा है, तड़पते हुए, मरते हुए, बर्बाद होते हुए, जो अपने आप को दुनिया का सबसे स्मार्ट या समझदार इंसान समझते थे, जिनके लिए रिश्ते, पैसा सब कुछ होता था, रिश्ते कुछ नहीं थे उनके सामने। तो एक घर परिवार रखिए और अपने परिवार को साथ लेकर चलिए, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी दोस्ती का हो, आपका जो भी हो, अच्छे से निभाइए उसे। ठीक है? तो अभिजीत बनर्जी अभी वर्तमान में अमेरिका में है। अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो द्वारा लिखित पुस्तक पुअर इकोनॉमिक्स को गोल्डमैन सैक्स बिजनेस बुक ऑफ द ईयर नामक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इस पुरस्कार को भी याद रखिए, इस बुक्स को भी याद रखिए, ये भी पूछ लेगा। श्री बनर्जी एवं एस्थर डुफ्लो द्वारा लिखित नई पुस्तक गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स है। ठीक है? इस बुक्स को याद रखिए। याद रहे कि 2019 के लोकसभा चुनाव हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल न्यूनतम आय योजना को तैयार करने में श्री बनर्जी से सलाह ली थी। आप समझिए जो योजना की बात की गई थी ना कांग्रेस के समय, कि इतना पैसा किसानों के खाते में या हर भारतीय के खाते में मिनिमम दिया जाएगा, तो वो इन्हीं की सलाह से दिया गया था। देखिए कई लोग बोलते थे कि इसमें ऐसा होगा वैसा होगा, सब व्यवस्था हो जाती है, मुझे लगता है। समझ रहे हैं? इस सरकारों का काम है
कांग्रेस 70 साल तक लूटती रही, अब आपने देखा है इनने भी लूटना शुरू कर दिया है। जो ये हमारे लिए एक तरह से कहिए दुर्भाग्य हमारे देश के लिए। अभी इसलिए लूटने की बात कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा एक तरह से प्रशंसक रहा हूँ। देखिए लॉकडाउन के पहले तक मैंने, और आप लोग शायद कल से फॉलो कर रहे होंगे, मैंने मन की बात जब से उन्होंने शुरू की थी तब से सुन रहा हूँ उनकी मन की बात को, और आज भी सुनता हूँ। लेकिन जो मेन आप बातें हुआ करती थी शुरू में, वो आज दूरदर्शन तक दिखाई नहीं दे रही। प्रधानमंत्री साहब आप देखते थे कि गरीबों की बात करते थे। एक वक्त हमें आज भी याद है कि हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा, लेकिन आपने देखा है लॉकडाउन के टाइम किस तरह से जनता त्राही त्राही मान हो गई। किसी एक महिला को आपने देखा है रोड पर बच्चे को जन्म देती है और फिर उठ के चलने लगती है। उस स्थिति ने मुझे झकझोर दिया और मेरा भरोसा बहुत बुरी तरह से एक तरह से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कोई शब्द नहीं खोले, समझ रहे हैं। और दूसरा पीएम फंड योजना में आपने देखा है जनता का पैसा है, तो आपको अगर आप चोर नहीं है, आपके अंदर कुछ नहीं है, गलत नहीं किया आपने, तो आप खोल के बता दीजिए ना। उस पर भी आपने देखा प्रधानमंत्री से हमने उम्मीद नहीं की थी। देखिए हमारे प्रधानमंत्री हम सभी लोगों को इज्जित करनी चाहिए, लेकिन उनकी अब नजरिया बदल रहा है। आगे है आपका फ्रांसीसी अमेरिका 40 वर्षीय महिला एस्थर डफलो, जो अभिजीत बनर्जी की पत्नी है, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के 50 वर्षों के इतिहास में इस पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली सबसे युवा अर्थशास्त्री हैं। एक बात और आपको यहाँ बता दूं, देखिए प्रधानमंत्री में कितनी भी बुराई हो, कुछ भी हो, लेकिन आप इंटरव्यू दे रहे हैं या कहीं आप मेंस लिख रहे हैं, तो वहां बड़े बैलेंस बनाकर लिखा करिएगा। प्रधानमंत्री के बारे में आप लोग गलत मत लिखना, फिर मालूम चला कि आप लोग निकल दिए गए हैं। ठीक है, तो अच्छे से बैलेंस बनाना है। इससे पूर्व अमेरिकी अर्थशास्त्री केनेथ जे एरो को 51 वर्ष की आयु में वर्ष 1972 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सबसे युवा अर्थशास्त्री हैं ये, ठीक है, एस्थर डुफ्लो। और इन्हें आप देखेंगे दूसरे हैं ये, 1972 में जिन्हें मिला था केनेथ जे एरो, इन्हें 51 वर्ष की आयु में मिला था। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे युवा अर्थशास्त्री कौन से हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले, महिला एस्थर डुफ्लो। इसके अतिरिक्त एस्थर डुफ्लो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी महिला है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी की एलिनोर ऑस्टम अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार वर्ष 2009 में सम्मानित की गई थी। प्रथम महिला आपकी एलिनोर ऑस्टम है और दूसरी कौन है, एस्थर डब्लू। ये भी आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दूसरी महिला ए है तो पहली महिला कौन थी, आपने देखा होगा क्वेश्चन। अभिजीत बनर्जी एस्थर डब्लू ऐसे पांचवे विवाहित दंपति हैं जिन्होंने एक ही विधा में नोबेल पुरस्कार जीता है। इससे पांचवे नंबर के हैं, चार पहले भी। इस दृष्टि से शेष चार विवाहित दंपत्ति हैं पेरी क्यूरी मैरी क्यूरी, 1903 में आपने देखा है भौतिक विज्ञान में मिला था पति पत्नी को, फेडरिक जूलियट एरिन जूलियट क्यूरी, ये 1935 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया था, रसायन क्षेत्र में। ठीक है, आगे है आपका कार्ल फर्डिनेंड कोरी गर्टी थेरेसा कोरी, ये 1947 में चिकित्सा विज्ञान में दिया गया था, एडवर्ड आई मोसर और मैं ब्रिट मोसर 2014 में चिकित्सा विज्ञान में दिया गया था। याद रहे कि स्वीडन के विवाहित युगल गुन्नार मैडल अल्वा मैडल भी नोबेल पुरस्कार जीता है, लेकिन अलग अलग वर्षों में दो अलग अलग विधाओं में इन्हें दोनों को पुरस्कार दिया गया। अगर शांति नोबेल शांति पुरस्कार 2019 के बारे में पूछे तो 11 अक्टूबर 2019 को ओस्लो नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट के द्वारा 2019 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस वर्ष पुरस्कार इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को प्रदान किया गया है। इस नाम को याद रखना है, अली कौन है, अली अबी अहमद अली, ठीक है, इन्हें मिला है 2019 का शांति पुरस्कार नोबेल पुरस्कार। उन्होंने उन्हें यह पुरस्कार शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करने के लिए उनके प्रयासों के विशेष रूप में पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ सीमा संबंधी विवाद का समाधान करने की उनकी निर्णायक पहल के लिए प्रदान किया गया है। फिर अगर आपसे साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2018-19, क्योंकि आपने देखा था 18 में किसी को नहीं मिला था, तो 18-19 दोनों में दिया गया है दोनों के लिए। 10 अक्टूबर 2019 को 2019 को स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश एकेडमी द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। याद रहे कि 2018 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी। वर्ष 2019 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रियाई लेखक हैं पीटर हैंडके। इस नाम को याद रखना, 2000 का 2019 का
साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? पीटर हैंडके को। उन्हें भाषाई सरलता के साथ मानवीय अनुभवों की परिधि एवं वरिष्ठता का अन्वेषण करने के प्रभावशाली कार्य हेतु पुरस्कृत किया गया है। और 2018 के बारे में अगर पूछे साहित्य के नोबेल पुरस्कार में, सो पोलैंड की लेखिका है ओल्गा टोकारजुक को पुरस्कृत किया गया है। उन्हें अत्यधिक जुनून के साथ जीवन के एक स्वरूप की तरह सीमाओं को लांघने का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कथात्मक परिकल्पना हेतु पुरस्कृत किया गया है। याद रहे कि 2018 में उन्हें उनके उपन्यास फ्लाइट्स के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी सम्मानित किए गए। कौन? टोकारजुक को, ठीक है, ये लेखिका है जो ओल्गा टोकारजुक को। तो रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की बात करें 2019 की, तो 9 अक्टूबर 2019 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा 2019 हेतु रसायन विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस वर्ष यह पुरस्कार 3 विज्ञान को, यथा जॉन बी गुडेनफ और एन स्टैनली बिटिंगम और अकीरा यूसिनो को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। ठीक है, इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार लिथियम आयन बैटरी के विकास में इनके योगदान हेतु प्रदान किया गया है। याद रहे कि हल्की रिचार्ज की जा सकने वाली तथा शक्तिशाली लिथियम आयन बैटरी का उपयोग आजकल मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों तक में किया जाता है। याद रहे कि 1900 माफ करिएगा 97 वर्षीय जॉन बी गुडनफ नोबेल पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में से सम्मानित किए जाने वाले सबसे उम्रदराज यानी कि सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं। ठीक है, कौन? जॉन बी गुडनफ। ये सभी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड अमेरिका के वैज्ञानिक आर्थर अस्किन के नाम था, जिन्हें 96 वर्ष की आयु में 2018 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगर भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2019 के बारे में अगर आपसे पूछे, तो 8 अक्टूबर 2019 को स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा वर्ष 2019 हेतु भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस वर्ष यह पुरस्कार ब्रह्मांड की में पृथ्वी की स्थिति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में नई समझ विकसित करने के योगदान में हेतु कुल 3 विज्ञान को दिया गया है। याद रखिए क्षेत्र याद रखिए आप लोग, और जिन्हें दिया गया है उनके नाम याद रखिए, क्योंकि ये पूछ लेता है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका से संबद्ध कनाडियाई मूल के वैज्ञानिक जेम्स पीबल्स को भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोजों हेतु वर्ष 2019 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके अतिरिक्त देखेंगे स्वीडिश वैज्ञानिक मिशेल मेयर तथा डिडियर क्यूलोज को एक सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा कर रहे वहिर ग्रह की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2019 हेतु नोबेल भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। याद रहे कि मिशेल मेयर और डिडियर क्यूलोज ने अक्टूबर 1995 में पहली बार सौर प्रणाली के बाहर किसी ग्रह की खोज करने की में सफलता प्राप्त की थी 1995 में। फिर आप देखेंगे चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2019, 7 अक्टूबर 2019 को स्वीडन में वर्ष 2019 हेतु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस वर्ष यह पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र के 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। ये 3 है, विलियम जी काई लिन जूनियर अमेरिका के हैं, सर पीटर जे रेडक्लिफ यूनाइटेड किंगडम के, ग्रेग एल सिमेंजा ए अमेरिका के। तीनों इन तीनों वैज्ञानिकों ने यह खोज की कोशिकाएं किस प्रकार ऑक्सीजन की उपलब्धता को महसूस और उसके प्रति अनुकूल करती हैं। ठीक है, और इन तीनों ही वैज्ञानिकों को ऑक्सीजन के बदलते स्तर की प्रतिक्रिया स्वरूप जीनों की गतिविधि को विनियमित करने वाली आणविक मशीनरी की पहचान करने के लिए उनके कार्य हेतु पुरस्कृत किया जाएगा। इन तीनों चिकित्सा विज्ञानियों द्वारा की गई खोज शरीर क्रिया विज्ञान के हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें एनीमिया, कैंसर, बहुत से ऐसे रोगों के उपचार हेतु नई रणनीति बनाने का मार्ग प्रशस्त भी हो गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे एक नया टॉपिक है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019। प्रसिद्ध अमेरिकी समाचार पत्र टाइम, ये अमेरिकी समाचार पत्रिका है टाइम द्वारा वर्ष 1927 से प्रतिवर्ष ऐसे व्यक्ति, समूह या विचार अथवा घटना को पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है जिसने उस वर्ष विश्व समुदाय को सबसे अधिक सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभावित किया। पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव पत्रिका के संपादकों द्वारा किया जाता है। याद रहे कि 1999 से पूर्व पत्रिका द्वारा मैन ऑफ द ईयर या फिर वोमेन ऑफ द ईयर के रूप में वर्ष में सबसे प्रभावशाली पुरुष या महिला का चुनाव किया जाता था, जिसे वर्ष 1999 में पर्सन ऑफ द ईयर के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, 11 दिसंबर 2019 को टाइम पत्रिका में स्वीडिश जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग, इसे इन नाम को याद रखना, ग्रेटा थनबर्ग,
एक स्वीडिश है, पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। 16 वर्षीय थनवर इस सम्मान को प्राप्त करने वाली सबसे युवा व्यक्ति हैं, 16 साल की हैं। और यहाँ देखिए आप लोग 16 साल के, 26 साल 30 साल तक बच्चे बने रहे थे हम लोग, तो इसीलिए आप देखेंगे कि देखिए मुझे लगता है कि विदेशों में बच्चों के दिमाग, मतलब एक तरह से उनकी तकनीकी शिक्षा इस तरह से दी जाती है कि उनका कई क्षेत्रों में दिमाग चलता है। आप ही हमें ही आपको ले लीजिए, हम लोगों को 8वीं 10वीं तक मालूम नहीं रहता था कि आगे जाके क्या बनेंगे। आज के बच्चे से आप लोग पूछ लीजिए, आज का बच्चा अगर दूसरी क्लास में है तब भी वो बता देगा कि आगे चल के हमें क्या बनना है, पहली क्लास में है तब भी बता देगा। तो हम लोग पहले पिछड़े हुए थे, अभी भी आप कई क्षेत्रों में देखते हैं। याद रहे कि सितंबर 2019 में ग्रेटा थनबर्ग को ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में को संबोधित भी किया था। इससे पूर्व वर्ष 1927 में 25 वर्षीय चार्ल्स लेंडर लिंडबर्ग पर्सन ऑफ द ईयर, तत्कालीन परिपेक्ष में मैन ऑफ द ईयर घोषित किए जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। याद रहे कि टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर हेतु जिन व्यक्ति संगठनों को अल्प सूचीबद्ध किया गया है उनमें अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, नैन्सी पेलोसी, द ब्रिसल विलोवर और हांगकांग के प्रदर्शनकारी शामिल हैं। ग्रेटा को 2019 में निम्न प्रमुख सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। आप सोचिए कि ग्रेटा कितने साल की, 16 साल में, आप समझिए। और यहाँ आपको खड़ा कर दिया जाए किसी मंच पर तो बोलने में आप समझते हैं कि हड़बड़ा जाते हैं। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज, राइट लवलीहुड अवार्ड, एम्बेसडर ऑफ कॉन्सेंस अवार्ड, रिचेल कार्सन अवार्ड, ये सभी आपके ग्रेटा को दिए गए हैं। याद रहे कि 2019 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर रीडर्स पोल का विजेता हांगकांग प्रोटेस्टर्स को घोषित किया गया है। तो ये था आपका समसामयिक घटना चक्र वार्षिकांक का, आपका जो विधिक यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो परिदृश्य है इसमें जो आपका अंतरराष्ट्रीय प्रकरण है इसे अभी तक हम लोग कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है यहाँ तक। और पहले की क्लास में भी आप लोग देख लीजिए, सभी आपको समसामयिक घटना चक्र वार्षिकांक के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए आगे हम मिलते हैं, एक नया टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में। इससे आप देखते हैं कि इससे क्वेश्चंस भी हमेशा पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में, ठीक है।